उत्तर प्रदेश के कैराना के सियासी लिटमस टेस्ट में महागठबंधन की कामयाबी के बाद कांग्रेस ने अगले लोकसभा चुनाव में राज्यवार गठबंधन को लेकर विचार मंथन शुरू कर दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में अपनी सियासी जमीन की कमजोरी भांपते हुए पार्टी दमदार चेहरों के सहारे गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की कसरत करेगी। इस क्रम में जल्दी स्वतंत्र एजेंसियों के जरिए इन सूबों में कांग्रेस की जीत की संभावना वाले सीटों की पहचान का काम शुरू होगा। अगले लोकसभा में अपने सीटों की संख्या 100 के पार ले जाने पर निगाह लगा रखी है। कांग्रेस यह मान रही है कि सूबों में गठबंधन के बिना यह लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है। कांग्रेस इस हकीकत को भी नहीं नकार रही है कि केवल गठबंधन के सहारे ही भाजपा और नरेंद्र मोदी के सियासी रथ को रोका जा सकता है। जैसा कि पार्टी प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने गुरुवार को कहा कि स्वरूप क्या होगा यह अभी भले तय नहीं है, मगर गठबंधन को लेकर सैद्धांतिक सहमति है, इसमें संदेह की गुजारिश नहीं है। वहीं पार्टी के एक वरिष्ठ रणनीतिकार ने कहा कि कैराना लोकसभा उपचुनाव के नतीजों ने सभी विपक्षी दलों को अगले चुनाव की राह दिखा दी है। कांग्रेस भी अब उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और फूलपुर की गलती नहीं दोहराएगी।